नमस्कार मित्रों, मैं अमित स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर। तो देखिए, आज का जो हमारा विषय है वो है हरे रामा हरे कृष्णा, इस भजन को। और ये देखिए, ये एक हिसाब से एक मंत्र जाप है। तो कई लोग तो हमारे पास सिर्फ इसी भजन को सीखने के लिए आते हैं कि सर जो है आप कितना भी फेस बोले लेकिन हमको ये भजन सिखा दीजिए। और सबसे सिंपल भजन है, अगर आपको सारे गामा पाधाने सा आता है, सिर्फ आपको सारे गामा भी आता है बजाना, ये चार सौ बजाना भी आता है, तब भी बजा सकते हैं। लेकिन अच्छा बजाना चाहते हैं तो तब मेन गमक जो हम आगे आपको बताएंगे धीरे धीरे, है ना, बजाते समय, तो उससे आप बजाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और अगर आपको प्रॉपर तरीके से ये जो है बांसुरी सीखनी है तो आप तब भी हमसे जो है व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी। थोड़ा कॉल उठा नहीं पाते हैं, थोड़ा हमारी भी थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, लेकिन रिप्लाई ज़रूर कर देते हैं व्हाट्सएप में, है ना। तो अब देखिए जरा कैसा है। हरे राम, सी स्केल के बांसुरी है। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे, अलग अलग तरीके से गा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा। तो पहले इसकी धुन को अपने मन के अंदर बिठाइएगा, है ना। और ये भजन है, ये आप कभी भी YouTube पे आप इनकी तालों को सर्च मारा कीजिए। जैसे इसका हम बता देते हैं कि इसका 160 BPM पे, अभी हम 140 BPM पे बजा रहे हैं सी स्केल पर, भजनी ताल, भजनी है ना, भजनी, ठीक है। तो ये आपको आराम से यही ताल आपको सुनने को मिलेगी। इस पर बजेगा ये, लेकिन सरगम क्या है, हरे रामा हरे कृष्णा, तो ग ग मा गरे गागा। अभी ये बेसिक स्वर है, इसके अंदर अभी हम थोड़ा ऑर्नामेंट्स का भी दिखाएंगे कि इसको और भी अच्छा कैसे बजा सकते हैं, है ना। रे सा रे हरे रामा, रे सा रे हरे हरे, हरे रामा मगरे सा, है ना। हरे रामा हरे हरे, तो टोटल क्या हुई, और सारा का सारा यही है। इसके बाद हरे कृष्णा कृष्णा, उसकी सरगम सेम ही, बस यही सरगम है क्या, टोटल लाइन की अगर सरगम की बात करें, ग ग मा मा ग रे ग ग रे सा रे रे म ग रे सा, टोटल यही है। और कितना सरल है देख लीजिए आपका, कि सिर्फ चार स्वर में आपका पूरा भजन बन गया। लेकिन इसके अंदर अब क्वालिटी की बात आएगी, ये तो बेसिक सरगम है, ये सबके लिए। अब इसके अंदर सबसे पहले तो आपने क्या ध्यान देना है कि आपका सुर बहुत स्ट्रेट लगना चाहिए, जहां पर अगर थोड़ा देर आप रुकेंगे तो इसमें विब्राटो डालने की कोशिश कीजिए। विब्राटो माने कि हवा में एक लहर सी डालनी है फूंक से, ये जो लहर डाल रही है, ग ग ग ग मा ये मामा, गरे गा गा, ये विब्राटो होता है। इस पर हमारी वीडियो भी है, तो उस पर थोड़ा रियाज की जरूरत होती है, बस रियाज का, और बेस के पीछे भाग गया। हम तो यही कहेंगे कि अगर आपने बेस ठीक नहीं किया तो 10 साल के बाद भी
जब भी आपको अच्छी बांसुरी बजानी पड़ेगी तब भी बेस के ही पीछे भागना पड़ेगा, तो बेस के पीछे भागे, अपने विवरा फूक को ठीक कीजिए, कंट्रोल में लाइए, गमक को ठीक कीजिए, सरगमों से सरगमों को कंट्रोल कीजिए, उससे असली जान आती है बांसुरी में। तो कैसा है ये, एक तो इसका ध्यान रखना है फूक का कहीं कहीं पर। अब सबसे पहले शुरुआत से देखते हैं कि सा के अंदर क्या हो रहा है, रे के अंदर क्या हो रहा है, गा के अंदर, है ना। तो हरे रामा को हम ऐसे भी ला सकते हैं और बहुत प्रकार से गा गा रे गा गा मामा को इसको हम यहां से भी ला सकते हैं, सा से, समझ रहे हैं आप। गा को भी सिंपल नहीं बजा रहे, या तो यहां से या तो हरे रा, देखिए हरे रामा हम ऐसा करेंगे जब, और ये हर बार हम अलग अलग चेंज चेंज करके बजा सकते हैं, कभी हरे रामा, कभी ऐसा बजा हरे हरे हरे, ऊपर से हरे, हल्का सा माँ का हरे, और यहां से हरे, तो कभी गमक से आ जा रहा, समझ रहे हैं आप। एक ही स्वर को आप बहुत प्रकार से, कभी कर्ण से, कभी मीन से, रामा मीन माने, तो इन चीजों सिर्फ तीन स्वरों में आपने इनका ऑर्नामेंट्स का रियाज करना है। गरे गा गा, लेकिन गा को कैसे बजाए, गा को हल्का सा माँ का कर्ण दिया, रे को गमक में, गमक में आ गया, तो गरे गा गा, तो और गा को कैसे बजाए, ये गमक से, और कहां पे आए, वापस गांव में आ गए, तो और जब सांस रोक, जब एक स्वर में स्टेबल हो रहे हैं तब विब्राटो, सेम हल्का सा गा का कण आ जा रहा रे में, रे रे सा रे सा रे रे, नॉर्मल बेसिक में आएगा लेकिन थोड़ा एडवांस पे, हल्का सा ऐसा भी कर सकते हैं, मुर्की कुछ भी कर सकते हैं। अब इस दौरान आप म्यूजिक में कुछ भी देखिए, राग इसमें तो थोड़ा थोड़ा यमन भी आ रहा है, थोड़ा पहाड़ी टाइप का भी आ रहा है, दोनों मिक्स है, तो आप इसको कुछ भी उसी का फील दे सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम बीच में म्यूजिक बजाने का बहुत मन करता है, तो म्यूजिक में आपको अगर राग आता, इसी से फायदा होता है, राग अगर आप सीख गए तो आपके उसी चीज के अंदर आपकी सोच बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे अभी इसको रिदम के साथ बजाएंगे, कुछ भी रैंडमली बजा लेंगे, जैसे thank you।
हमारा मन का भाव है और एक भगवान का नाम है, कौन सा हमें बिल्कुल डिटो वैसा ही बजाना है। तो बजाते बजाते जैसा मन करे वैसा बजाइए, बस वो राग के दायरे में रहना है, है ना। और देखिए एक चीज़ और भी कि अगर आप जानकार हैं और तब कुछ गलतियां करें जानबूझ करके, तो उसमें आपकी कलाकारी है, उसमें आपकी वाहवाही है। लेकिन अगर अनजाने में आप अच्छा भी बजा रहे हैं हर बिना जानकार के बजा रहे हैं, तो उसमें भी जो है आपको फेल कर दिया जाएगा, है ना। तो जान करके आप गलती भी कीजिए, क्योंकि आप जानबूझ करके कर रहे हैं, आप वापस लौट सकते हैं और गलती वहाँ पर श्रृंगार बन जाता है जहाँ पर आप जान करके वो करते हैं। अभी हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें गड़बड़ करी जो इसकी थी ही नहीं, लेकिन जान करके करे फिर वापस वहीं आ गए। तो ऐसा आप कर सकते हैं, है ना। बहुत कुछ है इसके अंदर, एक छोटा सा 4 लाइन को अगर आप बहुत तन्मयता से और हजारों बार बजाएंगे तो वही आपके लिए इतना ज़बरदस्त काम कर ले।